आज से 12 साल पहले बाईस फरवरी 2010 को मेरी जमीन जो कि देवान नबी बख्शे हैं उस पे 21 को कब्जा किया और 22 को उन्होंने एक झूठा एनओसी बनाया। ये जो झूठा एनओसी 22 फरवरी 2010 को बना, उसके बाद जब हम कई दफा गए लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई भी एनओसी इशू नहीं किया। तो मैंने कहा कि फिर ये मेरी जमीन पे पेट्रोल पंप कैसे बन रहा है। बहरहाल उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि ये एनओसी जो कि जाली है, वो जाली एनओसी की वजह से ये जो पेट्रोल पंप बन रहा है तो वो रुक सके, लेकिन सारी मेहनतों के बावजूद मैं उसको रुकवा नहीं सका। और उसके बाद फिर उन्हीं जाली एनओसी के ऊपर उनको लेसन भी मिल गया, जिसको के फॉर्म कहते हैं, और वो कराची से डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव कराची ने दे दिया। उसके बाद जब उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ये जो 22 फरवरी 2010 का ये जो लेटर इशू हुआ है, हकीकत में ये ओरिजिनल इशू हुआ था लाड़काना में लाउड स्पीकर के अनाउंसमेंट के लिए, जो फंक्शन था ईद अल मिलाद नबी का, उनके लिए ये एक एनओसी थी जिसी के ऊपर उसी नंबर को उसी तारीख पे उन्होंने बनाई थी। उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि ये झूठी है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद, सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरी तरह जब वो सेटिस्फाई हो गए तो जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी था उन्होंने लेटर लिखा, कंपनी को भी उन्होंने लेटर लिखा, एसएसपी साहब को भी उन्होंने लेटर लिखा, इसी जो है एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट को भी कि हमने कोई एनओसी इशू नहीं की है और आपने जो लेसन दिया है इसकी आपको हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह पेट्रोल पंप चलता रहा और अभी भी चल रहा है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक्शन लिया था, तब पता लगा कि ये क्योंकि हमारी ज़मीन पे है और हमारी पूरी ज़मीन उन्होंने इन्वॉल्व की हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन जो लिया था उसमें आर्डर किया था लाड़काना के जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं कि इस पेट्रोल पंप को और उसके साथ जो दूसरी चीज़ें बनी हुई हैं, आइस फैक्ट्री और दुकानें, ये सील की जाए। लेकिन क्योंकि बासर लोग हैं, उन्होंने फिर 5 मार्च 2019 को खुलवा दिया, और इसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अथॉरिटी के बगैर वो खुल गया। अब ये मसला हुआ कि सिविल केस में चल रहा है,
और सिविल केसेस में बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीफ डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव जो कराची है उसको बुलाने की कि आओ और तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसी के रिलेवेंट में जिसके लिए हमारा सिविल केस चल रहा है सूट नंबर 321 2018 का, तो डॉक्टर भगवान दास एंड अदर्स वर्सेस हाजी मियां खान जतोई एंड अदर्स, वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और आओ अपनी जो है ना कोर्ट एविडेंस दिलवाओ। काफ़ी इसके लिए लेटर्स निकल चुके हैं, लेकिन अजीब सी बात है कि जब भी इसको कॉल किया गया है कितनी दफ़ाओं से लेकिन वो नहीं आ रहा है, और इसी के लिए हम उसको आज भी एक लेटर हमने कोरियर सर्विसेज से भेजा है। उम्मीद करते हैं कि ये डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर या तो खुद आए या किसी की भी अथोराइज पर्सन को भेजे ताकि वो कोर्ट में आए और वो जो रिलेवेंट रिकॉर्ड ऑफ है इस केस के बारे में कि उन्होंने एनओसी दिया, एनओसी पे जो उन्होंने अपना लेसन दिया है कैसे इशू किया है, कितने लेसन के कैसे कैसे रेट्स में इशू किया है, और उसके बाद प्रेजेंटली उसके पास एनओसी ये लेसन है कि नहीं, इसके लिए बुलाया है। लेकिन समझ में नहीं आई कि कोर्ट जहाँ पे इविडेंस चलती है वो एक ही है ज़्यादातर, वो होती है सीनियर सिविल जज की, तो ये लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको इल्तिजा करते हैं और दिखाते हैं कि ये जज साहब का लेटर है, कोर्ट का लेटर है, आप मेहरबानी करके इस पे आ जाएं और सच बता दें कि चीज़ क्या है, असल में सच्चाई हासिल करने के लिए जितनी तकलीफ होती है उसको कोई भी बयान नहीं कर सकता, चाहे वो केसेस हों चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन और भी किसी चीज़ की हो, कोशिशें बड़ी करनी पड़ती हैं तब जाकर ये लोग आते हैं और कोर्ट को मदद करते हैं ताकि इंसाफ होनी चाहिए।